लगातार बढ़ती ठंड ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय इलाकों में जनजीवन को परेशानी में डाल दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हैं और उन्हें भी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर से पानी से जुड़ी ही जरूरतें। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 10 जिलों का न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है, लेकिन जनजातीय इलाकों में ठंड ज़्यादा प्रचंड है। यहाँ बड़ी नदियाँ भी जम गई हैं, छोटे नालों और पानी के स्रोतों की तो बात ही छोड़ दीजिए, बड़ी नदियाँ भी जम गई हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सांगला, हंगरंग, भावा घाटी में तो पैदल मार्गों पर भी शीशे की तरह बर्फ और कोहरा जमने लगा है, जिससे वाहन चलाने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कमोवेश लाहौल स्पीति में भी यही स्थितियां हैं। अभी दिसंबर की ठंड शुरू हुई है, जनवरी में भी ये और बढ़ेगी। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों को और कितनी दुश्वारियां झेलनी पड़ेंगी।